टीआरपी में रीजनल चैनलों में जी यूपी उत्तराखंड नंबर वन, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना दर्शकों की पहली पसंद, जी यूपी उत्तराखंड ने रचा इतिहास। आज से चार दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, होलिका दहन में करेंगे शिरकत, कल गोरखपुर में ही मनाएंगे होली। 18 मार्च को गोरखनाथ मंदिर में होगा होली मिलन कार्यक्रम, सीएम योगी होली मिलन समारोह में लेंगे हिस्सा। गोरखपुर में 19 मार्च को निकाली जाएगी भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा, सीएम योगी करेंगे शिरकत, 20 मार्च को लखनऊ लौटेंगे सीएम योगी। देशभर में शुरू हुई होली की धूम, आज मनाई जाएगी होलिका दहन, कल खेली जाएगी होली, रंग गुलाल और पिचकारी से सजे बाजार। होली पर यूपी में परिवहन निगम की शुरुआत की अतिरिक्त बसें, 9 शहरों के लिए 94 एसी बसों का किया गया इंतजाम, 23 मार्च तक सड़कों पर दौड़ेंगे अतिरिक्त एसी बसें। शपथ ग्रहण से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, होली के मौके पर बिना कटौती मिलेगी बिजली, 19 मार्च तक निर्बाध आपूर्ति के लिए बनाया कंट्रोल रूम। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ लेंगे शपथ, 45,000 लोग बन सकते हैं योगी के शपथ ग्रहण समारोह के गवाह, शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर। योगी 2.0 के शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी, 200 से ज्यादा वीवीआईपी की गेस्ट लिस्ट भी तैयार, शपथ ग्रहण में सोनिया, अखिलेश को न्योता, प्रियंका, राहुल और मुलायम सिंह को भी निमंत्रण। संकल्प पूरा करने की तैयारी में जुटी योगी सरकार, 60,000 से ज्यादा नई भर्तियां निकालने की तैयारी, पुलिस और शिक्षा विभाग में जल्द रोजगार पाएंगे हजारों युवा। यूपी में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीद, गेहूं खरीद के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू, 2015 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के हिसाब से होगी खरीद, सीएम योगी के निर्देश पर अफसरों ने शुरू की तैयारी। 20 मार्च को होगा अमित शाह का यूपी दौरा, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास भी आएंगे साथ, सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। यूपी में नई सरकार गठन के बाद योगी सरकार की तैयारी, सरकार के गठन के साथ ही बढ़ेगी पेंशन, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन की पेंशन बढ़ाएगी सरकार। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू, परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में लागू होगी धारा 144, परीक्षा केंद्रों से 1 किलोमीटर की दूरी तक फोटो कॉपी और स्कैन की दुकानें रहेंगी बंद। 20 मार्च को होगा अमित शाह का यूपी दौरा, झारखंड के पूर्व सीएम भी आएंगे उनके साथ।